माई चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने चेहरे के अनचाहे बालों से बहुत ज्यादा परेशान हैं? इनको रिमूव कराने के लिए आप तरह तरह के उपाय करते हैं, जैसे कि आप पार्लर जाकर वैक्सिंग थ्रेडिंग कराते हैं या फिर कोई हेयर रिमूवल क्रीम लेके आते हैं एंड घर पर ही इसको अप्लाई करते हैं, जिससे कि आपके अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाए। लेकिन इससे क्या होता है, आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं एंड दोबारा जो हेयर ग्रोथ आती है उसका जो बाल होता है वो भी बहुत ज्यादा कड़ा आता है। इस तरीके की क्रीम पाउडर को यूज करने से फ्रेंड्स आपकी स्किन काली भी पड़ने लगती है, साथ ही पैसा एंड टाइम दोनों वेस्ट होता है। ये कोई परमानेंट तरीका नहीं है आपके अनवांटेड हेयर को दूर करने का एंड चेहरे पर ग्लो लाने का। सो फ्रेंड्स, आज जो होम रेमेडी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं, ये परमानेंटली आपके हेयर को रिमूव करेगा, वो भी स्किन को बिना किसी तरीके का डैमेज पहुंचाए। आज की ये होम रेमेडी आपके चेहरे पर भर भर के ग्लो लाने वाली है, क्योंकि ये रेमेडी आपके चेहरे पर से व्हाइट हेड, ब्लैक हेड जो भी होती है, डेड सेल्स वगैरह, उन्हें आसानी से रिमूव करेगा, स्किन के टेक्सचर को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाएगा एंड चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन जो है उन पर भी बहुत अच्छे से काम करने वाला है, उनको लाइटन अप करने वाला है। सो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो अपने चेहरे के अनचाहे बालों से बहुत ज्यादा परेशान है एंड उनके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। सो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके की और रेमेडीज देखने के लिए। सो फ्रेंड, बिना देरी करते हुए चलिए आइए फटाफट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है क्लीन बाउल और उसमें फ्रेंड्स हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो ऐड करेंगे वो है कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ आधा चम्मच के करीब आप ले लेंगे कॉफ़ी पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर जो होता है हमारी स्किन पर वाइटनिंग का काम करता है, हमारी स्किन को काला होने से बचाता है, साथ ही हमारी स्किन पर बहुत अच्छे से स्क्रबिंग का भी काम करता है। एंड साथ ही फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। यदि आपके पास मार्केट वाला एलोवेरा जेल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट वाला है तो उसका भी आप एक चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। गर्मियों में एलोवेरा जेल हमारी स्किन को फुल टाइम हाइड्रेशन देता है, हमारी रूखी सूखी स्किन जो होती है उसमें नई जान लेके आता है एंड जो हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ मैंने एक चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दिया है दही। दही यदि आपके पास खट्टा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल दही का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड स्किन को डीपली क्लींस भी करता है दही। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें हम आधा चम्मच के करीब ऐड कर देंगे शहद यानी कि हनी, जो कि हम सभी के घर में इजली अवेलेबल होता है एंड ये हमारी स्किन की चमक को बरकरार रखता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऐड किया है एक चम्मच के करीब गेहूं का आटा, जो हम सभी घर में इजली अवेलेबल होता है, जिसकी हम रोटियां खाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी स्किन के टेक्सचर को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। साथ ही इसमें फ्रेंड्स, यहां मैंने एक चम्मच के करीब चावल का जो आटा होता है उसे ऐड किया। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट थोड़ा सा हमें यहाँ थिक रखना है, लिक्विड बिल्कुल नहीं बनाना है। सो जब तक मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करती हूँ, आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपके चेहरे पर ग्लो भी लेके आएगी। टाइम से पहले यदि आपका चेहरा बूढ़ा नजर आने लग गया तो आपके चेहरे पर नई चमक लेके आएगी, आपकी स्किन को टाइटन अप करेगी। एंड इस रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं वो हमारे स्किन के जो हेयर होते हैं उनको काफी ज्यादा सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे से इजीली रिमूव हो जाते हैं। हेयर को रिमूव करने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है, साथ ही ये रेमेडी आपकी स्किन पर ग्लो लाती है, स्किन पर किसी तरीके का साइड इफेक्ट भी नहीं छोड़ती है। इस तरीके से रेमेडी बनाएंगे आप एंड इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपके अनवांटेड हेयर रिमूव होने वाले हैं और दोबारा उसकी हेयर ग्रोथ जल्दी वापस भी नहीं आने वाली है। तो चलिए, रेमेडी बनके तैयार हो गई, इसे फेस पे कैसे अप्लाई करना है ये भी देख लेते हैं। जब आप इस होम रेमेडी को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा। तो यहाँ ऑलरेडी मेरा जो चेहरा है वो साफ है, हल्का सा मैंने एलोवेरा जेल लगाया था जिसे भी मैं अब रिमूव कर लूंगी रोज वाटर की हेल्प से। तो यहाँ मैंने एक कॉटन में थोड़ा सा रोज वाटर लूंगी और अपने जहाँ के हेयर रिमूव करने हैं वहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, मीन्स इस तरीके से अपनी स्किन को क्लींस कर लूंगी। जितना भी मैल है, जो भी गंदगी होती है, इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से रिमूव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं अपर लिप्स ही आपको रिमूव करके दिखाने वाली हूँ। यदि आपको फुल फेस की फेशियल हेयर रिमूव करने हैं तो आप चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, रोज वाटर से क्लीन कर लीजिएगा, या फिर आप इसे एज अ ग्लोइंग पैक की तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अपने चेहरे को टाइटन अप करना चाहते हैं, आपके चेहरे पर दाग धब्बे उन्हें लाइटन अप करना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को क्लीन फेस पर आप पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने
रोज वाटर से अपने स्किन को अच्छे से क्लींस कर लिया है अपर लिप्स वाले एरिया को, जहाँ के मैं हेयर रिमूव करने जा रही हूँ। उसके बाद ये जो हमारी रेमेडी बनके तैयार है फ्रेंड, इसको आप अच्छे से और मिक्स कर लीजिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स अभी गर्मी आया है तो आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ठंडी हो जाएगी और स्किन पर जब आप इसे लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग देने वाली है। सो रिजल्ट तो ये अमेजिंग आपको देगी ही, साथ ही आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स भी करने वाली है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रेमेडी अच्छे से मिक्स कर लिए, स्किन क्लीन है। उसके बाद आप इस रेमेडी को अपने अपर लिप्स जहाँ के आपका हेयर रिमूव करने हैं वहाँ पर अच्छे से एक थिक लेयर के साथ अप्लाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक रेमेडी के ऊपर कमेंट आया था कि उन्होंने इस तरीके की कॉफ़ी से बनी जो मेरी एक और होम रेमेडी थी उसको अप्लाई किया, 20 मिनट के लिए उन्होंने वेट किया और उनकी रेमेडी सूखी नहीं। तो फ्रेंड्स ये तो इम्पॉसिबल है कि रेमेडी सूखेगी नहीं। आटा, कॉफ़ी, ये जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स स्किन पर आप लगाओगे और थोड़ा सा हवा में दिखाओगे या फिर आप इसे ऐसे भी छोड़ देंगे तो आपकी रेमेडी ज़रूर सूखेगी। आप अगर 20 मिनट में भी नहीं सूखी तो आप 2-4 मिनट उसको और एक्स्ट्रा दे दीजिए। वैसे भी अभी गर्मी है, आसानी से आपकी जो रेमेडी है वो सूख जाती है। और दूसरा फ्रेंड्स, आपकी रेमेडी नहीं सूख रही है और आपको जल्दी है तो मैंने आपको एक और ट्रिक बताई है कि आप रेमेडी के ऊपर सूखा आटा या फिर बेसन का इस्तेमाल करेंगे, स्किन पर डैप डैप करेंगे जिससे कि वो रेमेडी ड्राई हो जाएगी एंड उसे रब करेंगे प्रेशर के साथ हल्के से, तो रेमेडी रिमूव होगी एंड अनवांटेड हेयर भी आपके रिमूव हो जाते हैं। सो आई थिंक जिन्होंने ये कमेंट किया था उनको आंसर मिल गया होगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से अपने रेमेडी को एक थिक लेयर के साथ अपने अनवांटेड हेयर वाली जो जगह है अपर लिप्स वाली वहाँ पर अप्लाई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इस रेमेडी को अपनी स्किन पर अप्लाई कर लिया है जहाँ का भी आपको हेयर रिमूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रेमेडी को मैं कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अपनी स्किन पर इसी तरीके से ड्राई होने दूंगी एंड उसके बाद इसे कैसे रिमूव करेंगे जिससे कि आपके अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाए एंड इसे कैसे रिमूव करेंगे जिससे कि आपके चेहरे पर ग्लो भी आए, तो उसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रोक देना है, आपको मेरे साथ वीडियो पर बने रहना है एंड यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मैं आपसे मिलती हूँ इसको सुखाने के बाद। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रेमेडी अच्छे से ड्राई हो गई है। अगर आप सही प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे, मींस सारी चीज़ें हिसाब से रेमेडी में मिलाएंगे तो रेमेडी आपकी जरूर ड्राई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप देख सकते हैं रेमेडी ड्राई हो गई है। इसे कैसे रिमूव करेंगे जिससे कि आपके अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाए, चलिए आइए ये भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा ना यहाँ से टाइट करना होगा एंड जैसे हेयर आपका नीचे की तरफ आता है तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स ऊपर की तरफ इस रेमेडी को इस हाथ से स्ट्रेच करते हुए रिमूव करेंगे तो आपके अनवांटेड हेयर जो है वो दूर हो जाएंगे, मीन्स इस रेमेडी से निक्स के साथ ही निकल के बाहर आ जाएंगे। सो यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये रेमेडी रिमूव हो गई है। अनवांटेड हेयर जो है वो भी रिमूव हो गए, साथ के साथ इस जगह पर यदि आपके डेड सेल्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन पैची नज़र आ रही है तो डेड सेल्स भी रिमूव होंगे एंड स्किन टोन को ये रेमेडी इवन टोन भी करता है, मीन्स एक सा बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ का भी मैं हेयर रिमूव करूँगी, स्किन को मैंने यहाँ स्ट्रेच कर लिया है, आप देख सकते हैं रेमेडी कितनी आसानी से जल्दी से रिमूव हो गई है। सो बिल्कुल भी ये रेमेडी बनाने में आपका टाइम नहीं लगना है, इसको रिमूव करने में भी आपका टाइम नहीं लगना, आपका पैसा एंड टाइम दोनों ये रेमेडी बचाने वाली है। तो आप देख सकते हैं स्किन कितनी ज़्यादा क्लीन सी नज़र आ रही है यहाँ पर। आई थिंक कैमरे में आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता है लेकिन जब आप इस रेमेडी को मेरे अकॉर्डिंग बनाएंगे एंड अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स इसके बाद आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लींस कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं एक वेट वाइप की हेल्प से अपनी स्किन को अच्छे से क्लींस कर लूँगी। देख सकते हैं जो छोटा छोटा रोया होता है ना अपर लिप्स के उधर, वो भी ये रेमेडी जो है आसानी से रिमूव कर दी, मीन्स वहाँ पर आप इसे एक थिक लेयर के साथ लगाएंगे एंड रब करेंगे तो जो हल्का रोया आता है वो तुरंत निकल के बाहर आ जाता है, जो थोड़े दिनों बाद डार्क होने लगता है एंड काला नज़र आने लगता है जिसकी वजह से आपका चेहरा
तो ये रेमेडी आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत ज़्यादा वैसे भी फेयर करने वाली है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन अप करते हैं। एंड साथ ही फ्रेंड्स, वैक्सिंग कराने से जो स्किन काली पड़ने लगती है, ये रेमेडी आपकी स्किन को काला भी नहीं होने देती है। सो आप देख सकते हैं स्किन को अच्छे से मैंने क्लींस कर लिया है। सो फ्रेंड, जब आप इस रेमेडी को रिमूव कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने चेहरे को अच्छे से नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा। सो मैं आपसे मिलती हूँ चेहरे को वॉश करने के बाद। चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिए, स्किन को अच्छे से ड्राई कर लेंगे, एकदम से स्किन को सारा सुखा लेंगे। फुल फेस पर जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आनी है। स्किन को इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है ये होम रेमेडी, क्योंकि सारे आपके चेहरे पर से जितनी भी ड्राइनेस है, डेड सेल्स है, उन्हें ये रिमूव कर देती है स्किन के टेक्सचर, जिसकी वजह से स्मूथ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ इस रेमेडी को रिमूव करने के बाद मैंने अपना फेस वॉश अच्छे से कर लिया, उसके बाद स्किन केयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैं टोनर का इस्तेमाल करूँगी। यदि आपके पास टोनर नहीं है तो आप यहाँ रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोनर को आप अपनी स्किन पर इस तरीके से ड्राई होने देंगे, आपको पोंछना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। टोनर क्या करता है फ्रेंड्स, आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उन्हें मिनिमाइज करता है, जिसकी वजह से आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो दोबारा जल्दी वापस नहीं आती है, एंड आपको वैक्सिंग के दौरान होने वाली समस्या एक्ने पिंपल की वो भी नहीं होती है। सो इस तरीके से वैक्सिंग करने के बाद आप अपने फेस की टोनिंग जरूर कीजिएगा, एंड उसके बाद जब ये टोनर आपकी स्किन पर ड्राई हो जाए उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज ना आप बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो उसके लिए आप कोई भी DIY मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने पाम पर लूंगी एंड फुल फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी इस तरीके से। जहां के हेयर रिमूव किए वहां का तो आपको करना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे, दोबारा हेयर ग्रोथ इस रेमेडी के थ्रू आपकी जल्दी वापस नहीं आती। ये रेमेडी आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्किन टेक्सचर को भी बहुत ज़्यादा स्मूथ करती है, कलर कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करती है, एंड पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर नज़र आने लगे, आपकी स्किन बूढ़ी नज़र आने लगी है, तो आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग एंड यूथफुल बनाती है। तो इस तरीके से आप एलोवेरा जेल अपने फेस पर लगाएंगे, हल्की सी मसाज करेंगे ताकि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसी तरीके से अपनी स्किन पर इसे लगा रहने देंगे। सो देख सकते हैं मेरे चेहरे का ग्लो आप सभी के सामने है। सो अपनी स्किन को यंग बनाना चाहते हैं, टाइम से पहले बूढ़ा नहीं नजर आना चाहते हैं, एंड नेचुरल तरीके से हेयर रिमूव करना चाहते हैं स्किन को बिना किसी तरीके का डैमेज पहुंचाए, तो ये रेमेडी देखते ही आप जरूर ट्राई करिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की होम रेमेडी आप सभी को पसंद आई होगी। सो वीडियो देखते ही आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा, सारी चीज़ें इजीली आपके किचन में ही अवेलेबल हैं। सो बिना देरी करते हुए अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाना चाहते हैं, चेहरे पर भर भर के ग्लो लाना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करिएगा, एंड इसके रिजल्ट कैसे मिले हैं प्लीज मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को यहाँ तक देखा है, एंड वीडियो का कोई भी पार्ट यदि आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड जरूरतमंदों के साथ शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसके बेनिफिट्स उठा सके। साथ ही फ्रेंड्स, आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को किस शहर से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरी वीडियो कहां तक पहुंच पा रही है। चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके की और अमेजिंग रेमेडीज देखने के लिए। सो मैं विवा इस वीडियो का अब यही करने जा रही हूं, जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।